हेलो व्यूअर्स आज हम डिस्कस करेंगे द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर रनिंग के क्वेश्चन आंसर्स लिस्ट द डिफरेंट एक्शंस स्पीकर लेंस यानी कि वो अलग अलग एक्शंस बचाइए जो स्पीकर योजना बनाता है करने की तो स्पीकर क्या क्या करने की योजना बनाता है जॉगिंग करने की वॉकिंग द डॉग्स कुत्ते को डहलाने की स्टॉलिंग घूमने की सीटिंग ऑन द फ्रंट पोर्च फ्रंट पोर्च पर बैठने की स्टेइंग इनसाइड और अंदर रहने की लिस्ट द एक्सक्यूजेज़ फॉर नाट डूइंग दीज एक्शंस यानी कि वो क्या क्या बहाने बनाता है ये काम ना करने के लिए है ना ये एक्शंस प्लान यानी कि ये काम करने की इसने योजना बनाई लेकिन इसके बहाने ये काम ना करने के ठीक है सो आई एल गो फॉर ए जोक जोक के लिए मैं जाऊँगा लेकिन इसका बहाना क्या है आई ए लिटल बी टाइर्ट मैं थक गया आई एल जस्ट वॉक द डोक मैं कुत्ते को घुमाने ले जाऊँगा बट ही सीम्स टू हाई पर फॉर वॉकिंग लेकिन वो टहलना नहीं चाहता गो फॉर एलेश मैं वैसे ही टहलने निकलूँगा बट ऑल ऑफ़ माई शॉक्स आर टू डर्टी एंड ऑल ऑफ माई शूज आर एंड टाइटी यानी कि मेरी जूते और मेरी जुराबें सारे गंदे हैं सो मे बी आल सीट ऑन द फ्रंट पोर्च हाँ मैं सामने वाले पोर्च पर बैठ जाऊँगा आई सी दैट माई किट इन इजिंग एंड वॉन्ट्स टू कॉल अप ऑन माई लेफ्ट लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो गैट गुर्रा रही और मेरी गोद में बैठना चाहती है थिंक ऑफ द वर्ड्स डेट the सेम मीनिंग एज स्टोल Stroll का मतलब होता है वॉक चलना परफेक्ट मतलब आइडियल कोजी का मतलब होता है snug. वट sort ऑफ डे डू यू थिंक इज अ परफेक्ट day फॉर रनिंग यानी कि आपको क्या लगता है किस तरह का दिन भागने के लिए परफेक्ट होता है आई थिंक when द weather इज pleasant, it इट इज़ परफेक्ट फॉर रनिंग मेरे ख्याल से जब मौसम सुहाना होता है तो ये भागने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है थैंक यू सो मच अ नाइस टाइम टेक केयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब